हाल ही में स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल द्वारा किस शहर में बेटी गौरव उद्यान का लोकार्पण किया गया? कोटा, टोंक, बारा, करौली? तो आपका सही आंसर क्या हुआ? ए कोटा। प्रदेश के 26 जिलों के 400 सरकारी स्कूलों में किस बैंक के सहयोग से 75 दिनों में स्मार्ट क्लासरूम तैयार किए जाएंगे? पंजाब नेशनल बैंक, राजस्थान मरुद्रा बैंक, FGST बैंक, भारतीय स्टेट बैंक? तो आपका सही उत्तर क्या हुआ? HDFC बैंक। राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए साहित्य मनीषी पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? वेदव्यास, रणजीत, चेतन औचित्य, हरीश बी शर्मा? तो आपका सही उत्तर क्या हुआ? वेदव्यास। हाल ही में किस जिले में राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा खोले के हनुमान जी के मंदिर में रोपवे का लोकार्पण किया गया? जयपुर, टोंक, बारा, करौली? तो आपका सही आंसर क्या हुआ? इंतजार कीजिए, ए जयपुर। हाल ही में उपराष्ट्रपति द्वारा किस शहर में ICAR के क्षेत्रीय बाजरा अनुसंधान केंद्र का शिलान्यास किया गया? गुड़ामलानी, नागौर, रतनगढ़, श्री डूंगरगढ़? तो इसमें आपका सही उत्तर हुआ ए गुड़ामलानी। विश्व पर्यटन दिवस 2023 के अवसर पर राजस्थान की किन दो गांवों को क्रमशः रजत और कांस्य पदक से सम्मानित किया गया है? चित्तौड़ का मीनल गांव और अलवर का नौरंगाबाद गांव, हनुमानगढ़ का रतनपुरा गांव, अनूपगढ़ का पुगल गांव, जैसलमेर का चांदन गांव, चोरू का सरदारसर गांव, सिरोही का जरोली गांव, बारा का अंटा गांव? तो इसमें आपका सही उत्तर क्या हुआ? ए चित्तौड़ का मीनल गांव और अलवर का नौरंगाबाद गांव। हाल ही में राज्यपाल कलराज मिश्र ने किस जिले में संविधान उद्यान और संविधान स्तंभ का लोकार्पण किया? जयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा? तो इसमें आपका सही उत्तर क्या हुआ? बांसवाड़ा शहर में। 15 दिवसीय डोल मेले का आयोजन किस जिले में किया जाता है? डोल मेले का आयोजन जयपुर, टोंक, बारा, करौली? बारा। राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष 2023-24 का सर्वोच्च मीरा पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? रतन कुमार सांबरिया, देवव्यास, रणजीत, चेतन औचित्य? तो आपका सही उत्तर क्या हुआ? ए रतन कुमार सांबरिया। हाल ही में सितंबर 2023 में मुख्यमंत्री ने सुरपुरा एम्यूमेंट पार्क और सुरपुरा सफारी पार्क का लोकार्पण किस शहर में किया है? जोधपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, जैसलमेर? तो आपका सही उत्तर क्या हुआ? जोधपुर। हाल ही में सितंबर 2023 में राज्य स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों का शुभारंभ किस शहर में हुआ? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर? तो आपका सही आंसर है जोधपुर। हाल ही में सितंबर 2023 में मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर का लोकार्पण किस शहर में किया गया? जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर? तो आपका सही आंसर क्या हुआ? जोधपुर में। हाल ही में सितंबर 2023 में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान का लोकार्पण किस शहर में किया गया? जोधपुर, कोटा, जयपुर, भीलवाड़ा? तो इसमें आपका सही आंसर हुआ जयपुर। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस शहर में गांधी वाटिका का लोकार्पण किया? जयपुर, जोधपुर, कोटा, डींग? तो इसमें आपका सही आंसर हुआ जयपुर में। पशु चिकित्सा में पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना किस शहर में की जाएगी? जोबनेर, बीकानेर, भीलवाड़ा, जोधपुर? तो इसमें आपका सही आंसर है ए जोबनेर। राजस्थान के 6वें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अशोक लाहौटी, एस सिद्धेश्वरी, प्रद्युमन सिंह, शांतिलाल जैन? तो आपका सही आंसर क्या हुआ? सह प्रद्युमन सिंह। राजस्थान स्टेट फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी RSFDA की स्थापना किस शहर में की जाएगी? जयपुर, जोधपुर, टोंक, कोटा? तो आपका सही उत्तर क्या हुआ? जयपुर में। हाल ही में सितंबर 2023 में किस शहर में ऑक्सीजन सिटी पार्क द गार्डन ऑफ जॉय का लोकार्पण किया गया? जयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, कोटा? तो इसमें आपका सही आंसर है कोटा।
सत्य कथन पहचानी। कोटा शहर में विश्व की पहले हेरिटेज चंबल रिवर फ्रंट का लोकार्पण किया गया है। रिवर फ्रंट की दोनों तटों पर 27 घाटों का निर्माण किया गया है। ज्वार घाट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू का विश्व का सबसे बड़ा गन मेटल का मुखौटा बनाया गया है। ब्रह्मा घाट पर विश्व की सबसे बड़ी घंटी बनाई गई है जिसकी आवाज़ 8 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकेगी। उपरोक्त सभी सत्य, तो इसमें आपका उपरोक्त सभी सत्य। हाल ही में सितंबर 2023 मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस जिले से इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण का शुभारंभ किया है? जयपुर, जोधपुर, टोंक, भीलवाड़ा, टोंक। हाल ही में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने वायु और जल प्रदूषण को कम करने के लिए किस पहल में शामिल होने के लिए जे पाल साउथ एशिया के साथ एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया है? सर्वा क्लीन ग्रीन होप, तो आपका सही आंसर है ए सर्वा। हाल ही में राजस्थान सरकार ने प्रत्येक परिवार हेतु दो दो दुधारू पशुओं का अधिकतम 40,000 रुपये तक का बीमा उपलब्ध करवाने हेतु कौन सी योजना शुरू की है? राजस्थान गोपालक सहायता योजना, मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना, राजीव गांधी पशुपालन सहायता योजना, मुख्यमंत्री गोपालक बीमा सहायता योजना, तो वह मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार की तर्ज पर पुलिस सेवा पदकों की घोषणा की है, कौन सा पदक इसमें शामिल नहीं है? मुख्यमंत्री उत्कृष्ट सेवा पदक शामिल है, मुख्यमंत्री सराहनीय पदक शामिल है, पुलिस सर्वश्रेष्ठ सेवा पदक शामिल नहीं है, राजस्थान विशिष्ट सेवा पदक शामिल है, तो पुलिस सर्वश्रेष्ठ सेवा पदक। ई एजुकेशन उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार ने किस संगठन के सहयोग से स्कूल आफ्टर स्कूल प्रोग्राम शुरू किया है? मिशन उड़ान, मिशन ज्ञान, एकलव्य, राजस्थान ज्ञान। इसमें आपका सही उत्तर मिशन ज्ञान। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से राजस्थान से किसे सम्मानित किया गया था? सुमन, शीला आसोपा, प्रवीण अंजना, तो इसमें ए और ब दोनों है, आशा सुमन और शीला आसोपा। उपरोक्त एक और दो दोनों सही है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्म की स्थापना किस जिले में की जाएगी? जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, बीकानेर, टोंक, तो इसमें आपका सही आंसर हो गया ए जयपुर ग्रामीण। सत्यव्रत रावत चोंडा पैनोरमा का निर्माण किस स्थान पर किया जाएगा? बस्सी, घाटोल, नीमच, आमेर, तो इसमें आपका सही आंसर हो गया बस्सी। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने श्री जयनारायण व्यास स्मृति टाउन हॉल का लोकार्पण किस जिले में किया? जोधपुर, बीकानेर, सीकर, बाड़मेर, तो इसमें आपका सही आंसर है जोधपुर। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा जैसलमेर में डेजर्ट स्टार्क युद्धाभ्यास किया गया। इस युद्धाभ्यास में मुख्य अतिथि किस देश के जनरल कमांडर थे? बांग्लादेश, ब्राज़ील, फ्रांस, अमेरिका, तो आपका सही आंसर है ब्राज़ील में। राजस्थान में विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु जनजाति दिवस कब मनाया जाता है? 16 अगस्त, 21 अगस्त, 31 अगस्त, 1 सितंबर, जिसमें आपका सही आंसर हो गया 31 अगस्त। सितंबर 2023 में हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक और घराने के सबसे प्रमुख प्रतिपादकों में से एक का निधन हो गया। उस्ताद रशीद खान, किशोरी अमोनकर, मालिनी राजूरकर, सुब्बा मुदुल, तो आपका सही आंसर मालिनी राजूरकर हो गया। अगला प्रश्न है 32वां, हाल ही में बांध सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है? जयपुर, मुंबई, कोलकाता, सूरत, तो आपका सही आंसर हो गया ए जयपुर। हाल ही में मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता अन्य अंजना, अंजलि सूद, रेवती, अद्वैती, रेशमा केवलर मानी, तो आपका सही आंसर क्या हो गया अन्य अंजना, ए सही आंसर है आपका, बाय बाय अंजना। तो दोस्तों, आपको ये राजस्थान का करंट अफेयर्स कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो, प्रश्न में गलत आंसर हो, तो भी कमेंट बॉक्स में
ज़रूर लिखना, और आगे भी इसी तरह का आपके लिए जीके उपलब्ध कराता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।